हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो आप 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई द फॉलोइंग, मीन्स जो हमारी ए और बी स्टेटमेंट दी गई है हमने उनको वेरीफाई करना है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड होना चाहिए। जैसे कि बीच में हमें इक्वल टू का सिंबल मिला है, इंटीजर को जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ए में हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसका। लेफ्ट हैंड साइड देखो कौन सा पोर्शन है इक्वल टू के जो लेफ्ट में है, तो ये वाला लिख लेंगे हम पहले 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3। इस टाइप से हमारा सॉल्व होएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या चल रहा है 7। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारा इंटीजर के अकॉर्डिंग। आपको मैंने रूल्स दिए थे एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को लेकर जब हम एडिशन या हम इंटीजर में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जब हमने वहां देखा था प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है तो सिंबल फिर लग जाता है माइनस का। तो अब दिख रहा है 7 3 7 -3, तो 18 मल्टीप्लाई प्लस का 4 हो जाएगा। फिर 18 मल्टीप्लाई 4 दिख रहा है तो हमारा 74 हो जाएगा। इस टाइप से हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करके। राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड क्या है, 18 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस का 3। इस टाइप से हमने सॉल्व करना है। अब देखो क्या करना है, 18 सेवन जा, अब 7 8 जा, हमारा कितना होता है 56 का 6 आ जाएगा एंड 5 कैरी। 7 8 जा 56 का 6, 7 बन जा 7, 7 और 5 12, तो 126 आ गया इसका। तो फिर प्लस लगेगा और अंदर का सॉल्व होएगा। तो देखते हैं क्या सॉल्व हो रहा है। 18 3 जा हमारा 54 होता है 54। अब देखो एक इंटीजर हमारा प्लस था और एक माइनस था और हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कराया तो सिंबल आ जाएगा माइनस का। तो क्या हो रहा है, 126 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 54। तो आंसर क्या आ रहा है, 126 सॉरी 126 में से माइनस हो रहा है 2 एंड 12 में से 7, तो 72 72 आ रहा है। और इधर देखते हैं हमारा, इधर हमारा 72 ही आएगा, 74 बाय मिस्टेक लिखा है। 18 4 जा हमारा 72 ही होता है, आप करके भी देख लेना। 18 2 जा 36, 30 फिर हमारा 36 का जब हम डबल करेंगे तो हमारा 72। इस टाइप से आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आए, तो हम इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमने वेरीफाई कर दिया है इनको। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, अब देखते हैं बी पार्ट में क्या करना है। हमने पहले इरेज कर देता हूँ उसे से। बी पार्ट भी बिल्कुल हमने सेम ही करना है बस। तो बी पार्ट में क्या देखना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड में -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6, इस टाइप से हमारा लिखा गया है ये। तो देखते हैं -21 मल्टीप्लाई ये -4 ही रहेगा और प्लस माइनस -6 हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा -21 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल माइनस का हमारा 10 आ गया है मल्टीप्लाई। तो जब हम देख रहे हैं माइनस का 21 और 10 मल्टीप्लाई होगी तो 200 10, और ये आ जाएगा प्लस का, ताकि दोनों इंटीजर हमारे माइनस में थे और प्रोडक्ट हो रहा है उस केस में हमारा प्लस का आ जाता है इंटीजर। तो राइट हैंड साइड पे चलते हैं हम इसके, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा ये वाला पोर्शन इसका -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जब हो रहा है माइनस माइनस हमारा अब प्लस हो जाएगा है, प्रोडक्ट कर दिए। प्रोडक्ट जब करेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो इस टाइप से हमारा है प्रोडक्ट करके प्लस में आएगा इंटीजर। दोनों ही हमारे इंटीजर नेगेटिव थे, जब नेगेटिव इंटीजर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस हो जाता है प्लस, और इसमें क्या है हमारा दोनों ही नेगेटिव है अभी, तो ये भी हमारा 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट होने वाला है। तो अब 84 प्लस 126, तो आंसर क्या आने वाला है, 4 और 6 10, 1 कैरी 4 और 8
टेन और एक इलेवन, इलेवन हो गया और टू, वन और एक कैरी था टू, तो 210 एंड 210 ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन था। आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा एकदम। हमने वेरीफाई करना था, पहले लिख रखा था वेरीफाई द फॉलोइंग, तो हमने वेरीफाई करके दिया भी है, और सोल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। आज के लिए धन्यवाद।